Thank you, Amiji. दोस्तों अभी आपने देखा कि कुछ लोग स्टेज पर आए थे, कुछ नए लोग हैं, उनको नहीं पता डायमंड्स का मतलब क्या है. ये लोग डायमंड्स बन चुके हैं, ठीक है. आप लोग आने वाले वक्त में डायमंड बनेंगे. सो हमेशा भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए. जो बीत गया है वो बीत गया, बट आप लोग आने वाले वक्त के डायमंड हैं, ठीक है. आप सभी लोगों की अनुमति से मैं अभी आज के इवेंट की शुरुआत करना चाहूंगा. मैं अपने फर्स्ट स्पीकर्स को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा. आपकी अनुमति है? Yes. तो सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, इंडिया में कहावत है लेडीज फर्स्ट, ठीक है. तो सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिसेस संगीता रानी मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज. की माँ चली जाए तो क्या होगा, हस्बैंड तो दूसरी शादी कर लेगा,
और घर वाले करा देंगे, भले ही ना करे तो करवा देंगे और हो जाती है। लेकिन बच्चों का क्या होता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बच्चों को माँ नहीं मिलती और बच्चों का कैरियर खत्म हो जाता है। उस समय में ये चीज हमें जब मिली तो हमारे घर में दोबारा नया जीवन आया, क्योंकि मुझे जिंदगी मिली। जब मुझे जिंदगी मिली, जो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, अनाथ होने वाले थे, इसी की बदौलत आज इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए और लोगों को यूज कराते हुए हम इसमें कब कैरियर के रूप में आ गए, कब ये हमारा बिजनेस बन गया, जिसका हमें पता भी नहीं चला। और इसी के पैसे से बोर्ड की तरह से बोर्ड क्या करता है, बोर्ड से जो मांगा वो मिलेगा, हमने इससे जो मांगा वो इसने हमें आला दिन के चिराग की तरह वो दिया। सबसे पहले इसने मुझे स्वास्थ्य दिया, उसके बाद मेरे बच्चे उस समय हाई स्कूल और एक में थे, हाई स्कूल में थे, तो जब उनका करियर स्टार्ट हुआ तो मुझे ये मिल गया। इसके मिलने से मेरे पास एक अलग से अर्निंग आना शुरू हुआ। उस अर्निंग से वो अर्निंग हमने अपने बच्चों पे लगाई, बच्चों की पढ़ाई पे लगाई। आज अगर ये सब नहीं होता तो जो मेरे बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी है मैं नहीं पढ़ा सकती थी। तो मैंने बीए एमए यही जो डिग्रियां हैं यही हमारे बस में था, क्योंकि इसमें पैसा खर्चा ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब हमारे पास सिलेक्शन आ गया और इससे पैसा आने लगा तो हमने कहा कि हमें अपने बच्चों का कैरियर बनाना है। हमने दोनों बच्चों को मेडिकल में डाला, क्योंकि आज के तारीख में एक भी बच्चे की अगर हम मेडिकल में डालते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए आसान नहीं होता। लेकिन डिएक्शन का धन्यवाद है कि डिएक्शन की वजह से मेरे घर में इतना पैसा आ रहा था कि मैंने अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाया। वो सपना मेरा क्यों था, कि मैंने डॉक्टर के बहुत चक्कर काटे थे, तो मैं मुझे एक लगता था कि मैं हर समय डॉक्टर के पास चक्कर काटती हूँ, इलाज नहीं है तो मुझे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है। तो आज मेरे दोनों बच्चे एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं और एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ में रिएक्शन बिजनेस भी कर रहे हैं। क्योंकि ये बिजनेस हम सब कर सकते हैं, कैरियर के साथ ही कर सकते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर है डॉक्टर ये काम नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, क्योंकि ये एक भोजन है। इस भोजन की कमी होने पर ही हम लोगों को दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरी एक तमन्ना थी, जो मैंने पहली गाड़ी अपनी खरीदी थी वो भी बेसन के पैसे से खरीदी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी दिया, इसने गाड़ी भी दी, इसके साथ साथ हमने विदेश यात्राएं भी इसी के पैसे से फ्री में की और देश विदेश सब जगह पूरा घूम रहे हैं। जहाँ जाने का मन होता है रिएक्शन बिजनेस और उसके मैनेजमेंट इतना अच्छा है, हमें वहीं का मीटिंग दे देता है और हम फ्री में उस जगह पे घूम कर भी आ जाते हैं। तो इससे अच्छी चीज तो कहीं मिल सकती है किसी और प्लेटफॉर्म पर, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप दोनों चीजों में दिखा दो कि मिलती है, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। अभी तक 14 सालों में हमें कुछ नहीं मिला, जहाँ हमें स्वास्थ्य भी मिल रहा है, जहाँ हमें पैसा भी मिल रहा है, जहाँ हमें खुशियाँ भी मिल रही हैं, जहाँ हमें कैरियर भी मिल रहा है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? आज लोग अगर पैसा कमाने निकलते हैं तो वो स्वास्थ्य खो रहे हैं, और स्वास्थ्य लेने निकलते हैं तो पैसा खो रहे हैं। और दूसरा बेरोजगारी, आज हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आता। नौकरी कितनी भी मिल रही है, 5,000, 4,000, 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए आज लोग तरस रहे हैं, भाग रहे हैं। यहाँ अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो जो पैसा आ रहा है वो बेईमानी का नहीं है, वो पैसा हमारे घर में कैसा पैसा है, दुआओं वाला पैसा है, बरकत का पैसा है। हम किसी को धोखा देकर पैसा नहीं कमाते, किसी के साथ बेईमानी करके पैसा नहीं कमाते। वो जो दुआओं का पैसा आता है वो कैसा होता है, वो 7 पीढ़ी हमारी सुरक्षित करके जाता है। हमारे घर में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आने देता, क्योंकि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया। तो अगर आप सब लोग, जो लोग आज नए आए हैं या जो लोग इसमें कैरियर नहीं बना रहे थे, मेरा अपना मानना है कि वो इसमें कैरियर के रूप में जुड़े। और ये एक धर्म का काम है, एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है। मंदिर में जाके आप सुबह शाम सारे दिन पूजा कर लो, कुछ होने वाला नहीं। अगर आपने किसी एक दुखी का दुख दूर कर दिया वो सबसे बड़ी पूजा। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े स्पीकर यहाँ पर बैठे हैं, ये सुनना है।
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.